स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 था कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले कौन बोलेगा? निधि तुम बोलोगे? ओके सर। चलो, कल हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किया था, नंबर ऑफ यस सर। क्वाड्रिलेटरल्स किया था, ठीक है। यस अब सर। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट कर, ठीक है। यस। ये बताओ, जैसे अगर मैंने बोला मेरे पास है 5 वॉवल्स हैं और 17 कॉन्सोनेंट, टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं? 17 कॉन्सोनेंट। 17 कितने कॉन्सोनेंट। फाइव लेटर कितने फाइव लेटर वर्ड जो है वर्ड वो बन सकते, कितने फाइव लेटर वर्ड बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, अब कितने फाइव लेटर वर्ड बन सकते हैं जिसमें क्या हो, 2 वॉवल्स हो और क्या होता है, 3 कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ध्यान रखना कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो नहीं वॉवल्स वर्ड्स को सेलेक्ट कैसे किया? तो वॉवल्स ओनली टू टू वॉवल्स हो सकते हैं और थ्री तीन कौन कौन कॉन्सोनेंट्स। से? हाँ बोलो। तो अभी हम फाइव को टू और थ्री में डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, 5C2 और 17C3 होगा ना, सेवनटीन फाइव सी लेटर वर्ड, थ्री यस सर। फाइव फाइव सी टू सी और टू सेवनटीन सी थ्री इनटू अच्छा, सेवनटीन लेट सी। सपोज, एक मिनट, लेट सपोज वॉवल्स AE सेलेक्ट हो गए और यस CTN ये सेलेक्ट हो गए कौन सा, ये बात समझ आ गई? यस सर। बट बच्चे, इसके कुछ अरेंजमेंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो वो ये एक वर्ड बनेगा, इसमें क्या मानते थे हम, सारे सेम मानते थे ना, यस सर। तो AECTN और ACEN T, बट ये दोनों वर्ड्स क्या है, दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं है? हाँ दोनों डिफरेंट है। तो इनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे बताओ, 5 वर्ड्स के? 5 वर्ड के अरेंजमेंट होंगे इनटू 5 फैक्टोरियल फिर। इंटू 5 फैक्टोरियल ही होगा ना, ये बात समझ आ यस गई? सर। हाँ या ना, यस कोई सर। यस सर। डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चेतन, चेतन यस सर। हाँ चलो तुम बोलो। मैंने बोला वर्ड है हमारा इनवॉल्यूट, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वॉवल्स, तीन वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आ गया। इनवॉल्यूट में कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? सर 3 वॉवल है और 5 कॉन्सोनेंट बच्चे है। चार, नहीं सर 4 वॉवल और चार चार वॉवल्स कॉन्सोनेंट। और 4 कॉन्सोनेंट, कितने सेलेक्ट करने हैं सर 3 वॉवल सिलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट। और कितने? मैंने क्या पूछा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, क्या बोला है, हाउ मेनी मैंने वर्ड्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म? अब आंसर बोलोगे बच्चे? सर 4C3 × 4C2 × 8 फैक्टोरियल। इंटू 5 फैक्टोरियल बच्चे, ठीक है। ठीक अच्छा हाँ ओके सर ठीक है। है, अब नेक्स्ट कौन, कृष्णा? हाँ सर। कृष्णा तुम बोलो। कृष्णा, एक क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि हमारे पास है AEIOU, ये 5 वॉवल्स हैं और क्या होता है XYZWP और R, ये हमारे कॉन्सोनेंट, इससे कितने 6 लेटर वर्ड बन सकते हैं, इससे कितने 6 लेटर वर्ड बन सकते हैं जिसमें आपके 3 वॉवल्स हों और 3 कॉन्सोनेंट, ठीक है। सच दैट वॉवल्स जो हैं आर ऑलवेज टुगेदर, बात समझ आ गई? हाँ सर। बताओ।
सर 5C3 इनटू 6C3 5C3 क्यों बोला? एक मिनट 5C3 क्यों बोला? 5 वॉवल्स हैं सर इसलिए, और 3 वॉवल्स हमें अच्छा चाहिए। हाँ, और कॉन्सोनेंट कितने हैं टोटल? 6 हैं सर। 6C3। अब इनटू 4 सर तीनों के करोगे? तीनों वॉवल्स जो है, जैसे लेट सपोज ए ई आई सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे एक्स वाई जेड सेलेक्ट हो गया, अब ए ई आई हमेशा क्या रहने चाहिए? सर टुगेदर तो हम इसे 1 मान लेंगे, तो सर टोटल 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास आता है प्रिया। यस सर। प्रिया बोलो। मैंने बोला क्वेश्चन है, लेट सपोज हमारे पास क्या करना है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन है मुरादाबाद है, मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स वर्ड से टोटल कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते, टोटल कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं वो बताने, ठीक है? एक परमुटेशन भी बताने, टोटल कितने कितने वर्ड्स बन सकते पहले, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? कितने वाले बोले हैं 4 लेटर, बताओगे कितने आएंगे? बोलो। प्रिया यस सर। बताओ बच्चे। चलो अनिका। अनिका बच्चे तुम बोलो। चलो वेदांत। इलेवन सी फोर। इलेवन सी फोर इंटू कुछ करेंगे? अच्छा अब गर्व। यस सर। गलती क्या है सर इसमें? हमें ये नहीं पता कि रिपीटेशन होगी या नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। 11C4 का मतलब है सारे के सारे डिफरेंट है, 11 में से 4 सेलेक्ट किए। इसमें है क्या? अगर बताओ 2 एम है सर, इसमें अलग अलग 2 ए है, सारे रिपीटेशन है, 2 टी है, एच ई आई सी एस, ये है ना? टोटल डिफरेंट कितने हैं सर इसमें? है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? सॉरी सर 8। चलो अब एक बारी देखते हैं। वेदांत। यस सर। वेदांत बच्चे इसमें देखो, अगर हमने 2 वर्ड्स एमएम ले लिए और एक ले लिया टीएच, तब ये आंसर करेक्ट है? इसके अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल होंगे? नो सर, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तब गलत हो गया ना? अगर ऐसे होता, ये सिलेक्शन हो गया होता MMTT, तब ये आंसर ठीक है? नो सर गलत। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है, ये समझ आ गया, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। अब इसको चेंज कैसे कर? अब वेदांत बोलो, इसमें टोटल डिफरेंट कितने हैं लेटर्स? टोटल डिफरेंट लेटर्स कितने हैं? नाइन नहीं बच्चे, 8 दिख रहे हैं ना? सर 8। 1, 8। ठीक है, और टोटल पेयर्स कितने हैं? सर 3। अब केसेस बना रहे हैं बच्चे, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं ना, 4 लेटर वर्ड। हम बोलते हैं ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, यानी चारों के चारों लेटर क्या हो? डिफरेंट। एक केस ले लिया, एक पेयर हो प्लस 2 डिफरेंट लेटर्स, सही है? और तीसरा केस ले लिया, 2 पेयर
और कोई केस बनेगा? नो सर। ऑल आर डिफरेंट, डिफरेंट कितने हैं सर? एट। आठ में से कितने का सिलेक्शन करना है? टोटल फोर लेटर वर्ड बना रहे ना, बताओ सर। फोर का। एट सी फोर लिख दिया इनटू फोर फैक्टोरियल, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब एक पेयर लेना है और दो डिफरेंट लेना है, पेयर कितने हैं? थ्री सी वन हो जाएगा। थ्री सी वन, थ्री सी वन का मतलब दो लेटर सेलेक्ट हो चुके हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। और डिफरेंट कितने बचे अगर एक पेयर ले लिया हमने से, कितने डिफरेंट कितने बचे? सर सेवन बचे। बिल्कुल, सेवन सी टू, ये बात समझ आ गई? यस सर। इंटू फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, ये बात समझ आ गई? फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल क्यों आया? जैसे एम एम ए टी ले लिया तो आंसर यही आएगा। yes, चलो sir. अब दो पेयर, पेयर कितने हैं सर? थ्री हैं तो थ्री सी टू हो जाएगा। इंटू क्या लिखूं जल्दी से बोलो? फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। दोनों को, इसको इसको और इसको ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्ड। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा बच्चे? बताओ। बोलो कौन बोलेगा? कृष्ण? यस सर। बच्चे आप बोलोगे? यस सर। इसमें टोटल फोर लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओगे? यस सर। चलो देखें एक बारी। अच्छा इसमें है क्या क्या? ए कितनी बार आ रहे हैं? दो बार। दो ए है, और कोई रिपीटेशन है? आई। आई कितनी बार आ रहा है? दो बार। और कोई चीज आ रही है? दो बार एन आ रहा है। और कोई? नो सर। तो बचे कितने? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। ग्यारह में एक ई आ गया, एक एक्स आ गया, एक एम आ गया, और क्या बचा? एक टी आ गया और एक ओ आ गया, सही है? यस सर। अब मेरे को बताओ कि अब इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे? सारे All are different. चलो और दूसरा केस? एक पेयर और दो डिफरेंट। दो डिफरेंट। और तीसरा? दो पेयर। चलो अब आंसर जल्दी जल्दी बोलोगे? Yes, sir. चलो पहले वाले का केस का आंसर बोलो। एट सी फोर इंटू फोर फैक्टोरियल। ठीक है, पहला वाला करेक्ट। सेकंड वाला? थ्री सी वन इंटू सेवन सी टू इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट। थ्री सी टू इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब एक एक और क्वेश्चन, चलो इसके लास्ट में देखेंगे इसका, अगर कोई क्वेश्चन और लेने की जरूरत। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, हाँ मेरे पास दस चीज है, इसका आंसर बोलेगी निधि? यस सर।
दस में से चार चीजों को, नहीं पांच चीजों को सेलेक्ट करना, पांच चीजों को सेलेक्ट करना सच दैट, ठीक है, सच दैट टू स्पेसिफाइड थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स अकर टूगेदर. ओके सर. ठीक है, मेरे को क्या बोला है, दस में से पांच चीजों को चूज करना है सच दैट दो स्पेसिफिक चीजें साथ में हमेशा रहें. कोई डाउट? नो सर. चलो अब एक बार क्वेश्चन बोलो सर. दस में से पांच चीज सेलेक्ट करने हैं जिसमें दो स्पेसिफिक चीज हमेशा टुगेदर रहे. तो इसका मतलब पहले देखते हैं, दस थी, दस की जगह मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, आठ और दो में. yes. क्योंकि दो चीजों को तो दो लेना ही पड़ेगा हमेशा. बिल्कुल, नहीं तो होगा ही नहीं केस कंप्लीट. अब टोटल दो में से दो को ले लिया, आठ में से कितने को लें? तीन. मेरे को इसमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल ले. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट आउट ऑफ टेन थिंग्स वी हैव टू चूज फाइव थिंग्स एंड इन विच टू स्पेसिफिक थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर. यस सर. ठीक है, अब मेरे को आंसर बताओगे? सो 8C3 into 2C2 into अब डिवाइड हो जाएंगे ये into 2 factorial. इन दोनों को साथ में रखना है ना? हाँ, into, हाँ इनको साथ में रखना है. into 4 factorial into 2 factorial. हाँ बात समझ आ गई. यस सर. कृष्णा. हाँ सर. कृष्णा एक चीज बताओ, मैंने बोला n चीजें हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल रहा हूँ, इन विच n में से r चीजों को चूज करना है सच दैट टू स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर. टू स्पेसिफिक थिंग्स अकर टुगेदर. क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर. बताओ पहले n को कितने पार्ट्स में तोड़ूं? सर एक तो सर 2 और फिर n माइनस 2. n में से इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? सर 2. और इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? r माइनस 2. ये r माइनस 2 हो गया और ये 2. ठीक है, आप बोलो आंसर. बोलो सर. n माइनस 2 c r माइनस 2 इनटू 2 c 2. आगे सर ये एक हो गया. r माइनस 2 प्लस 1 कितना हुआ? आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू. बात समझ आ गई? हाँ सर. नेक्स्ट कौन बोलेगा? गर्व. यस सर. तुम बोलोगे? यस सर. चलो अब यहाँ पे देखते हैं गर्व, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी. ठीक है, आप गर्व एक चीज बताओ, ए बी सी डी है, लाइन में चार जनों को बिठाना है, ए बी सी और डी. ठीक है, कितने वेज होंगे लाइन में बिठाने के? सर 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल, पहले के लिए चार चॉइस, दूसरे के लिए 3, 2, 1. अच्छा इसमें कितने वेज होंगे सर्कल में बिठाने के? सर इसमें हमें पहले किसी भी एक को फिक्स करना पड़ेगा, फिर 3 फैक्टोरियल. चलो एक मिनट रुक जाओ. वेदांत. यस सर. वेदांत देखते हैं इसमें. वेदांत एक चीज देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी. ठीक है. yes, एक अरेंजमेंट. अब मैं इसको फिक्स मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है कोई. सही है कि नहीं? Yes, sir. अगर इसको रोटेट कर दूं मैं तो ए कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा और सी ऊपर पहुंच जाएगा. Yes, sir. तो दैट इज अ नॉट अ डिफरेंट अरेंजमेंट. क्यों अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ? क्योंकि इसमें कोई इनिशियलाइज नहीं है, कोई कौन सा पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट. अब देखते हैं, अगर किसी एक को फिक्स कर लिया, हमने ए को फिक्स कर दिया, ए बी सी डी का, बी डी सी, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है. Yes, sir. ये बात समझ आ गई. एक और देखते हैं. Yes, A, B, C, D का, C, B, D.
ए यस सर सी डी बी नेक्स्ट ए डी सी बी ए डी बी सी ये बात समझ आ रही है टोटल यही अरेंजमेंट्स होंगे यस सर तो इस ये टोटल कितने अरेंजमेंट्स हुए छह ही हुए ना थ्री फैक्टोरियल तो अगर एक पॉइंट को इनिशियलाइज कर दूंगा तो दैट इज थ्री फैक्टोरियल लाइन में बिठाने के कितने थे सर फोर फैक्टोरियल और इसमें बिठाने के कितने हो गए सर्कल में थ्री फैक्टोरियल अच्छा ठीक है बच्चे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तो आवाज आ रही है चलो ठीक है ठीक अब इसका मतलब अगर सर्कल में n बच्चों को बिठाना है विधान तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे टोटल n-1 factorial अब विधान इसका आंसर बोलो एक पार्टी है ठीक है उसमें दो सर्कल के अराउंड दो सर्कुलर टेबल्स के अराउंड बंदों को बिठाना ये 15 की कैपेसिटी की है ये 6 की कैपेसिटी की टोटल हमने गेस्ट को इन्वाइट किया है 21 टोटल गेस्ट इनवाइटेड कितने हैं 21 है तो हमारे को कितने वेज में सारे बंदे अरेंज हो सकते हैं बात समझ आ गई वेदांत यस सर चलो वेदांत एक चीज बोलो टोटल कितने बंदे थे सर 21 सी 15 21 में से 15 को कहां बिठाना है इस टेबल पे फर्स्ट पे यस सर और बाकी बचे 6 को कहां बिठाना है सेकंड तो 21 में से सबसे पहले 15 सेलेक्ट कर लो यस सर कोई भी 15 बैठ सकते हैं ना यस सर विदा बोलो ना अब इसमें कितने अरेंजमेंट्स होंगे बताओ विधान सर 14 फैक्टोरियल वेरी गुड अब 15 सेलेक्ट हुए 6 बच गए थे 6 में से कितने सेलेक्ट करूं 6 के 6 यस सर कितने वेज होंगे इधर बिठाने के 5 फैक्टोरियल बात समझ आ गई वेदांत कोई डाउट तो नहीं है नो सर क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगी निधि यस सर निधि अब बताना आप ओके सर मैंने बोला एक यहाँ पे एक टी पार्टी के लिए हम बुलाते हैं टोटल यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं 3 4 5 देखना कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इस साइड पे 8 इस साइड पे फर्स्ट साइड पे कितनी चेयर्स है 8 और सेकंड साइड पे भी कितनी है 8 टोटल 16 बंदों को ही हम बुला रहे हैं पार्टी ठीक है अब 16 में से 4 बंदे आते हैं बोलते हैं हम इस फर्स्ट साइड पे बैठेंगे पर्टिकुलर ठीक है और दो बंदे इसमें से आते हैं बोलते हैं हम इस साइड पे बैठेंगे कहीं भी बैठे बट इस साइड पे बैठे ये बात समझ आ गई यस सर और बाकी कोई कुछ नहीं बोलता हमें कैसे भी बिठा सही है ओके यस सर In how many ways can the seating arrangement be made? बात समझ आ गई? Yes, sir. Simple सा answer बोलेंगे. देखो, इस side कितनी chairs हैं? First side Eight पे? Chairs. Eight. आप यहाँ पे कितने बंदे बैठना चाहते हैं particular? Four. चार कहीं भी बैठ सकते हैं? Yes, sir. तो चार बंदों के लिए seat खत्म हो जाएंगी कि ये के बंदे खत्म हो जाएंगे? बंदे खत्म हो जाएंगे ठीक है तो पहले बंदे के लिए कितनी चॉइस पहले बंदे के लिए 8 चॉइस है दूसरे के लिए 7 तीसरे के लिए 6 ये हो गए इन चारों को बिठा दिया यस सर अब इन दोनों बंदों को बिठाना है इस साइड पे सेकंड साइड पे कितनी चॉइस पहले के लिए 8 चॉइसेस दूसरे के लिए 7 नेक्स्ट अब बचे 10 बचे ना यस yes. 10 के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं टोटल देखो काउंट करके
10 सीट्स ही बची हैं तो हम बोलेंगे 10 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं. यस सर. बात समझ आ गई? यस सर. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. चल अब हम देखते हैं कैसे करने हैं क्वेश्चंस. बच्चे एक तो होमवर्क जो है वो 17 पॉइंट बच्चे आपने 17.1 भी ट्राई करनी है. 17.1 के भी कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आज. मेरे साथ पहले बोलेगा कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? बोलो. सर मैं बोलूं? हर्षित. हर्षित आप बोलो. अमन तुम्हारे को समझ आ रहा है? टेंथ क्यों ना तुम तो. यस सर. समझ आ रहा है सर? अभी यहाँ तक देखानी है थर्ड वीडियो. बच्चे अभी जब जैसी वीडियो हो जाएंगे तब समझ आएगा. कल की क्लास में प्रॉपर समझ आएगा. ठीक है. ओके सर. चलो अब एक चीज देखते हैं. एक हमने 17.1 पूरी की नहीं थी, अब वो भी बता देता हूँ. थोड़ी बहुत हिंट देता हूँ बच्चे. NC12 is equals to NC5 दे रखा हूँ, तो N की वैल्यू पूछियो. बच्चे एक चीज देखो, मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ, NCR is equals to NCN-R. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? NCR is equals to NCN-R. ठीक है, ये कैसे फॉर्मूला प्रूफ करते हैं? हर्षित बोलो, NCR का फॉर्मूला क्या होगा? NCN-R factorial into R factorial. एक मिनट मिनट, NCR का फॉर्मूला क्या हो गया? N-R factorial into R factorial. यही होगा ना लेफ्ट हैंड साइड? यस सर. राइट साइड को प्रूफ कर रहे हैं अभी हम. N factorial N-R का factorial into N-R का factorial. ये बात समझ आ गई? यस सर. तो राइट साइड आ गया N factorial R factorial N-R factorial. दोनों बराबर हो गए कि नहीं? सर हो गए. तो NC अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 7C2 किसके बराबर होगा? 7-2 कितना हुआ? 5. अगर मैं 16C6 लिखता हूँ किसके बराबर होगा? 16C10. अच्छा अगर मैं लिखता हूँ 11C3 किसके बराबर होगा? सर 11C8. अगर कहीं पे मैंने ये लिखा है और n की वैल्यू निकालनी है क्या करूं? सर इसको समझ आ गया? N-12 equals to 5 होना चाहिए. यस सर. समझ आ गई बात? यस सर आ गया. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. चलो अब हम एक चीज और सॉल्व करते, जैसे एक दो क्वेश्चंस और ले लें. सर एक बच्चे मेरे पास लिखा है क्या बच्चे? सर लास्ट टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं. बच्चे अमन अभी आपको समझ नहीं आएंगे, आप ना कल से अटेंड कर लो. मैंने इसलिए बोला था परसों से अटेंड करो. ठीक है. वेदांत. अच्छा वेदांत तेरे को नहीं समझ आया? सर जिस मेथड से आपने बताया वो नहीं आया. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं. NCR is equals to NCN-R समझ आ गया? यस सर. अच्छा मैंने क्या बोला? 7C2 किसके बराबर होगा? वेदांत बोलो. 7C5 फॉर्मूला. अगर मैं 11C4 बोलता हूँ किसके बराबर होगा? 11C7. अगर मैंने लिखा NC2 is equals to NC5, what is the value of N? क्वेश्चन समझ आ गया? सही है? यस सर आ गया. तो N-2 must be equals to 5, तो N7 होगा. ओके सर समझ आ गया. थैंक यू सर. सही है. एक और बोल दो तुम. मैंने बोला 24CX is equals to 24C 2X plus 3. What is the value of x? जल्दी बोलो. 7. 24 minus x is equals to 2x plus 3. 3x is equals to 24 minus 3, 21. X equals to 7. बच्चे बात समझ आ गई? Yes sir. Thank you sir. Good. अच्छा आप एक क्वेश्चन और. Next बोलेगा कृष्णा. हाँ सर.
8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? सही है सर। चलो अब देखते हैं, 8CR इज इक्वल टू 7C2 प्लस 7C3 हो गया सर। 7C2 का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 7C3 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। और ये नीचे ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया? हां सर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड का। क्या आएगा एलसीएम में? 5 फैक्टोरियल आएगा इनटू 3 फैक्टोरियल आएगा, जो बड़े होंगे वही आएगा ना? हाँ सर। 7 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा जल्दी बताओ सर? इनटू से 3 फैक्टोरियल, 3 आएगा खाली 3। 2 फैक्टोरियल इनटू 3, 3 फैक्टोरियल होता ना? हाँ सर, हाँ सर। 7 फैक्टोरियल इनटू 5 आएगा, ये बात समझ आ गई? हाँ सर। तो ये कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल इनटू 8 हो गया। हाँ सर। अब देखो एक बारी, 7 इन फैक्टोरियल इनटू 8, 8 फैक्टोरियल कट गया सर। हाँ सर। अब यहाँ पे आ गया 8 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? नहीं सर। कंपेयर करो किसके बराबर क्या चीज होनी चाहिए। एट माइनस आर को 5 के बराबर इक्वेट कर दो, उसके बराबर कर देंगे सर। तो आर इज इक्वल टू 3 आ गया। हाँ सर। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, 8 माइनस आर को 3 के बराबर, आर को 5 के बराबर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। किसी भी बच्चे को डाउट है? चलो हर्षित। यस सर। अब एक क्वेश्चन आप बोल दो। ओके सर। बच्चे क्वेश्चन है, 15CR अपॉन 15CR माइनस 1 इज इक्वल टू 11/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। बताओ। चलो कृष्णा। हाँ सर। दोबारा बोलो, इसका आर की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन। ठीक है सर। सर ऊपर से बोलो फॉर्मूला। 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल अपॉन आर वो 16 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल माइनस इन फैक्टोरियल। सर 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल काट देंगे सर, वो भी कट जाएगा आर इनटू आर माइनस फैक्टोरियल। एक मिनट बच्चे, काट रहे आर फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? आर इनटू आर माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये आ गया 15 माइनस आर का फैक्टोरियल, 16 माइनस आर इनटू 15 माइनस आर का फैक्टोरियल। एक कम कर दो, इनटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, माइनस आर। हां 16 माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 11/5, 80 माइनस 5 आर इज इक्वल टू 11। 16 आर इज इक्वल टू 80, आर इज इक्वल टू 5। बात समझ आ गई? हां सर। वेदांत बात क्लियर है? यस सर। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर क्लियर। अच्छा अब एक मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो होमवर्क करना है 17 चैप्टर में 17.1 के 17.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको करने हैं 1 से लेके 15 तक ट्राई कर लेना, 1 to 15। ठीक है,
सर आप ट्रू वॉवल्स नहीं आ रही। हो जाएंगे? यस सर हो जाएंगे। चलो वेरी गुड, ट्राई करना आज पूरा खत्म करके भेज, ठीक है? आज मेरे को पता है समझ नहीं आना था, ठीक है? कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा इसलिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू बच्चे।